हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंग्लिश विद आना। आज के इस इंग्लिश क्लास में आप सीखने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है सेल्फ इंट्रोडक्शन, यानी कि आपका परिचय। आप जानते हो कि आप कहीं भी जाते हो, चाहे वो स्कूल, कॉलेज, फ्रेंड्स की पार्टी या फिर सबसे इम्पोर्टेंट आपकी जॉब इंटरव्यू, तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले होती है। और इंट्रोडक्शन शुरू होती है ग्रीटिंग से, जो कि फॉर्मल और इनफॉर्मल होते हैं। ग्रीटिंग्स की डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पे हैं, आप जाके देख सकते हैं। और इस क्लास में आप सीखोगे अपना नेम और अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन कैसे बताएं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है व्हाट्स योर नेम, या फिर मे आई नो योर नेम। आप उस केस में कहोगे आई एम एना और आई एम एना। ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, जो कि ज्यादातर आज से आप ये फॉर्म यूज करोगे। सो प्रैक्टिस करते हैं, तीन बारी प्रैक्टिस करेंगे। मैं पहले बोलूंगी, फिर आप रिपीट करोगे। शुरू करते हैं। एम एम एम। गुड। हाँ जी, अगर वही नाम आपसे पूछा जा रहा है टेलीफोन पे या फिर कॉल पे, या उस कंडीशन में जब आपका फेस नहीं दिख रहा, तो उस केस में आप कहेंगे माय नेम इज एना। और ज्यादातर हम यूज करेंगे आज के बाद माय नेम्स, ये भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे तीन बारी। सेम रूल है, पहले मैं बोलूंगी फिर आप बोलोगे माय नेम्स माय नेम्स माय नेम्स। गुड। इसके आगे आप अपने नाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो अगर नाम पूछा जा रहा है लार्ज कॉन्सर्ट हॉल में या ऑडिटोरियम में या फिर सेमिनार में, तो उस केस में आप अपना नाम लोगे दिस इज एना। तो ये है सारे स्टाइल्स कि आप अपना नाम कैसे बता सकते हो। अपनी नर्वसनेस को खत्म करने के लिए इसको लिखकर याद करना बहुत जरूरी है। सो इसलिए आप नोट डाउन कर सकते हो या फिर ले सकते हो अभी स्क्रीनशॉट। हाँ जी, Where are you from? आप कहाँ से हैं और अभी आप कहाँ रह रहे हैं? अगर पूछा जाए कि Where are you from? तो आप कह सकते हैं I'm from Punjab, या फिर डाल सकते हो अपनी nationality adjective, जैसे कि I'm an Indian. Okay, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टाइल की तरफ। इफ यू आर फ्रॉम समवेयर दैट इज क्वाइट फार फ्रॉम द प्लेस यू आर इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ। अगर आप अपने इंटरव्यू देने के लिए काफी दूर गए हो और अगर वहां पे पूछते हैं कि आप कहां से हो और कहां से आए हो, तो उस केस में आप कहोगे आई कम फ्रॉम पंजाब। कम फ्रॉम दर्शाता है आपकी जर्नी को। सो आप कहोगे आई कम फ्रॉम पंजाब। और अगर पूछा जा रहा है कि आप कहां पे, इफ यू वांट टू से वेयर यू ग्रू अप, ग्रू अप का मतलब है कि आप कहां बड़े हुए हो। सो उस केस में आप कहोगे आई वॉज बॉर्न, मैं पैदा हुआ था और बड़ा हुआ था इन पंजाब। ये है कुछ स्टाइल्स आपकी लोकेशन बताने के। अभी और स्टाइल्स करने से पहले सब्सक्राइब टू माई चैनल और ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टाइल की तरफ, जो कहता है कि इफ यू आर बोर्न इन वन प्लेस, अगर आप एक जगह पे पैदा हुए हो और बड़े दूसरी जगह पे हुए हो, तो उस केस में आप कहेंगे आई वॉज बोर्न इन, मैं पैदा हुआ था पंजाब में, बट पर बड़ा हुआ हूं चंडीगढ़ में। अब नेक्स्ट स्टाइल है कि अगर आप पैदा हुए हो एक जगह पे इन वन प्लेस, बट अभी रह रहे हैं अनदर प्लेस, किसी और जगह पे रह रहे हो अभी। सो उस केस में आप कहोगे आई ग्रू अप इन पंजाब, मैं बड़ा हुआ था पंजाब में, बट पर अभी रह रहा हूं नाउ लिव इन इंग्लैंड, राइट? ओके, और इसका और स्टाइल भी कह सकते हैं हम। आई एम ओरिजिनली फ्रॉम, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। आई एम ओरिजिनली फ्रॉम
मैं हूं पंजाब से, या फिर इसका मतलब है कि मैं हूं पंजाब से या मैं पंजाब से हूं पर अभी मैं इंग्लैंड में हूं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टाइल की तरफ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट, और ये है लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्टाइल आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन बताने का। शुरू करते हैं। इफ यू वॉन्ट टू से हाउ लॉन्ग यू हैव लिव्ड इन अ सर्टेन प्लेस, कि आप एक जगह पे कितने सालों से या कितने महीनों से कितने समय से रह रहे हो। ये एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क दे देती हूँ कि आप अपने कमेंट्स में अब जाके अपनी इंट्रोडक्शन, नेम और प्लेस यहाँ पे लिख के भेज सकते हो, एंड आई विल ट्राई टू चेक एवरीवन्स इंट्रोडक्शन। आई हैव बीन, ये है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आई हैव की, आप बोलेंगे आई हैव राइट, बीन लिविंग इन इंग्लैंड फॉर 5 years, मैं पिछले 5 सालों से इंग्लैंड में रह रही हूं। या फिर आप स्टाइल चेंज करके कह सकते हो आई हैव स्पेंट द पास्ट फ्यू ईयर्स इन इंग्लैंड, मैंने पिछले कुछ साल इंग्लैंड में बिताए हैं। दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेसन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम कवर करेंगे आपकी जॉब और प्रोफेशन और क्वालिफिकेशन। See you in the next class. Till then, bye-bye.